एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो ना यार, आज लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए ना साड़ियों का हॉल। और ना ये सारी की सारी जो साड़ियाँ हैं ना, ये कॉटन की साड़ियाँ हैं। आई नो, एकदम वो वाली चटक वटक वाली नहीं लेके आई हूँ मैं, अभी कॉटन की लाई हूँ। क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा कि नवरात्रे आ रहे हैं और दुर्गा पूजा भी आ रही है, और इनमें ना इतनी प्यारी लगती है ना कॉटन की साड़ी। और कॉटन की साड़ी तो वैसे ही हर किसी पर इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है ना। और मेरे को पता है कि आप लोग रॉक कर दोगे कॉटन की साड़ियाँ भी। तो ना यार, मुझे फेस्टिव सीजन से ना एक और चीज़ याद आई कि तो यार मैं क्या कह रही थी कि ना फेस्टिव सीजन आ रहा है और आप देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना ज़्यादा डल लग रहा है अभी। चाहे आप मेरे डार्क सर्कल देख लो, थोड़े थोड़े ना मार्क्स दिख रहे होंगे, अभी कैमरे में इतने विजिबल नहीं होंगे। तो ना बड़ी सारी ना डल सी हो रखी है। और फेस्टिवल आ रहा है यार, और वो ग्लो किसको नहीं पसंद कि मतलब हमारा चेहरा ना ग्लो करता रहे। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि घर वाले कुछ भी यूज़ कर लूँ ना, मैं बेसन हल्दी कुछ भी लगा लूँ ना, मेरे पास वो ग्लो आता ही नहीं है। जैसे सैलून में जाके आता है ना, ग्लो ही आ जाता है पता नहीं कैसे वहाँ पे। बट सैलून में जाने के ना बड़े झंझट होते हैं। वहाँ पे जाके पहले अपॉइंटमेंट लो, टाइमिंग देखो आपकी सही, आपके स्केड्यूल के हिसाब से बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, भाई बड़े झंझट है। और ना यार, मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मतलब ना मेरे को ना हर चीज़ ऐसे है कि मैं खुद ही कर लूँ, मेरे को ना बड़े झंझट होते हैं कुछ जाके ना करवाने में। चाहे वो आईब्रो अपर लिप्स हो, मैं हर चीज़ खुद ही कर लेती हूँ, मेरे से नहीं होता बस बाहर जाके। तो ना यार, इसलिए मैं आपसे ना एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जिससे ना आपको मिलेगा एकदम सैलून जैसा ग्लो, वो भी सिर्फ घर में। आज है मेरे पास न्यूड की फेशियल एट होम किट। आप सोचोगे कि सिर्फ न्यूड की ही क्यों चुनी इस लड़की ने, क्योंकि यार इसके रिव्यूज इतने ज़्यादा अच्छे थे ना। और जब बात आती है स्किन की, तो ना यार मतलब हो जाता है कि हम एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट ही यूज़ करें, ताकि ना कुछ ऐसे झंझट वगैरह ना हो, बाद में दिक्कत वगैरह ना हो। तो इसलिए मैंने लिए न्यूड की, रिव्यूज़ देख के इसके बड़े अच्छे थे। प्लस ना सैलून में जाके ना बड़ी वो लग जाते हैं 1000-1500, भाई आप जितनी बड़ी जगह जाओगे उतने महंगे रेट हो जाते हैं। और इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल रही है ना, और इसको करने में सिर्फ आपको 30 मिनट्स लगने वाले। और इसकी पैकेजिंग देखो कितनी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, कहीं पे भी लेके जा सकते हो आप। और इसमें सिर्फ आपको 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो चलो मैं जल्दी से आपको वो करके दिखाती हूँ। सबसे पहला स्टेप है क्लेंजिंग मिल्क। इसको लेके आपको अपने नेक और फेस पे मसाज देनी है 2 मिनट्स के लिए सर्कुलर मोशन में, देन टॉवल से साफ करना है। फिर आपको फेस स्क्रब से अपनी स्किन को 1-2 मिनट्स के लिए एक्सफोलिएट करना है। देन आपको मसाज क्रीम से अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मिनट्स के लिए मसाज देनी है। फिर फेस मास्क लगाने जब तक वो ड्राई ना हो जाए। उसके बाद आपको लेना है फेस सीरम, बहुत कम ड्रॉप्स लेंगे, उसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। लास्ट इज सनस्क्रीन। यार मैंने अपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, मतलब देखो मेरे चेहरे पे कितनी ज़्यादा शाइन आ रही है, आपको दिखाई दे रही है। और मेरा चेहरा जैसे स्टार्टिंग में तक डल डल सा हो रहा था ना, वो इतना ज़्यादा ब्राइटन अप हो गया ना, मतलब मैं तो बिल्कुल ही फेस्टिव रेडी हो गई हूँ। फेस्टिव भी क्या, वैसे ही मुझे कभी मन करेगा ना ग्लो करने का, बिना सैलून जाके मैं घर पे कर लूँगी ये सब 30 मिनट्स प्रोसेस, वो भी इतना ज़्यादा अफोर्डेबल। आई जस्ट लव द रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलो अब अपना हॉल को स्टार्ट करते हैं। आज है मेरे पास हमारा स्पेशल गेस्ट। हेलो बोलो। हेलो, ये है मेरी मम्मी। और ना मैं मम्मी को आज स्पेशल गेस्ट बना के इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे साड़ियों की इतनी नॉलेज नहीं है, तो उसमें मुझे पता नहीं है कि ब्लाउज का कपड़ा कौन सा होगा या कैसा सा सीन है। तो इसलिए मम्मी हमको गाइड करेंगी साथ साथ में, ठीक है। तो चलो हम पहली साड़ी देखते हैं। साड़ी है ये वाली। वैसे हम लोगों ने देख ली है साड़ियाँ, क्योंकि आपको तो पता है मीशो पे स्कैम हो जाते हैं कभी कभी, दिखाई देती है। मम्मी कुछ तो बोला यार, अच्छी है क्योंकि ये कलर जो है ना, किसी ने अगर पूजा में पहनना है, दुर्गा पूजा में पहनना है, या नवरात्रे आ रहे हैं, तो ये कलर मतलब अच्छा कलर है। येलो और ऑरेंज का मिक्स है इसमें ना, बहुत अच्छा। तो ना इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं पास में ना, ऐसे आपको पूरे में ऑल ओवर में यही वाला डिजाइन मिल रहा है। और ये ना आपको बॉर्डर मिल रहा है यहाँ पे। और मम्मी ब्लाउज केड़ा है, आपको प्लेन ब्लाउज मिल रहा है तो मतलब बहुत ज्यादा सही रहने वाला है, क्योंकि ना देखो पूरी साड़ी ऑलरेडी भरी हुई है, तो प्लेन ब्लाउज अच्छा ही लगेगा, है ना मम्मी? मतलब बहुत सॉफ्ट है। हाँ, कपड़ा तो इसका अच्छा है ही, नो डाउट। मैं जैसे बताया था ना कॉटन की साड़ी, तो ना इसका कपड़ा ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट वाला मटेरियल है, और मुझे लगता है ये पहनने के बाद भी काफी अच्छी लगेगी सी। और जैसे इसके वो है ना, क्या कहते हैं इसका ब्लाउज, बूटी नहीं, इसका ब्लाउज जो है वो है एकदम प्लेन है, तो मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा लगेगा उससे सीन, है ना। आप कैसे भी करके ब्लाउज सिलवा सकते हो, बाकी आप ट्राई ऑन में देखते रहना कि कैसे सी दिखाई दे रही है। साड़ी है ना वो है ये वाली। ये वाली ना मेरे को मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं लाऊं कि ना लाऊं, मतलब मैंने ना कितनी बार इसको कार्ट में डाला, कितनी बार ना कार्ट में हटाया, तो मैंने इसे ले लेती हूँ, क्योंकि ना ये वाला कलर जो है ना इंडियन स्किन टोन पे ना काफी ज्यादा प्यारा लगता है ना मम्मी। हल्का मतलब मैजेंटा कलर आ रहा है, हल्का मैजेंटा थोड़ी है, पिंक है, पिंक मैजेंटा, डार्क पिंक है, हाँ। तो ना पूरे में ये चल रहा है। और हाँ, अगर आप ऑफिस कॉलेज जाते हो ना, कॉलेज तो चलो आई गेस नहीं पहनते होगे आप में से, बट अगर आप ऑफिस जाते हो ना, तो आप
ऑफिस में भी बहुत आराम से डेली मर्रा की जिंदगी में पहन सकते हो, बोर्ड मीटिंग में जाना इसको पहन के। तो इसका ऊपर वाला ये डिजाइन चल रहा है और शायद ये ब्लाउज है ना, ये ब्लाउज आपको मिल रहा है इसके साथ। पल्ला भी अच्छा है, पल्ला केड़ा है, हाँ ये इसका पल्ला है जो येलो वाला दिखाई देता है उसमें ऑल ओवर में सेम ही प्रिंट चल रहा था, बट इसके पल्ले में देखो यार अलग डिजाइन आ गया है। मतलब ये साड़ी ऐसे करके आएगी आपको, सुंदर लग रही है। मेरे को ना हमेशा से ना बड़ा ही शौक था, मम्मी है ना, मम्मी को मैं ना बोलती रहती थी हमें मैं कॉटन वाली साड़ी लेने का बड़ा मन है बड़ा मन है, आज मैंने ले ही ली। साड़ी मुझे नसीब नहीं होनी, मेरी मम्मी ने छुप छुप के पहन ली साड़ी, तो ना अगली वाली ये है। मेरे को ना सबसे ज्यादा मन था ना साड़ियों में लेने का कि ना मुझे इंडिगो या ब्लू कलर की कोई साड़ी लेनी है, हमेशा से था इतने सालों से। तो मैंने कहा चलो भाई अच्छा मौका और कहीं हो सकता है वाला, ऑफिस के लिए ये कलर भी बेस्ट है। मम्मी ना थोड़ी शाई फील कर रही है इसलिए ना थोड़ा सा वैसे बोल रही है सीरियसली, वरना इतनी सीरियस है नहीं मम्मी। तो ये वाली जो है ना ऐसी सी दिखाई देती है, इसमें देखो ऐसा वाला डिजाइन चल रहा है, इसके बॉर्डर में ऐसा है ब्लाउज, ये ब्लाउज है ये इसका ब्लाउज है, ये ऐसा सब कुछ दिख है, एक ही पल्ला ये ब्लाउज नहीं है ये, हाँ यही ब्लाउज ये इसका ब्लाउज है। मम्मी यार हमको सब पता है, मैं मम्मी को स्पेशल गेस्ट बना के लाई थी लेकिन मम्मी से ज्यादा हमको नॉलेज है गाइस। और ना ये रहा इसका पल्ला, देखो इसके पहले ना पूरे में यही वाला डिजाइन चल रहा है पूरी साड़ी में, ठीक है, फिर जब पल्ला आया ना पहले आपको ये मिल रहा है, फिर आपको ऐसे डिजाइन मिल रहा है और फिर ना आपको ऐसे मिल रहा है। देखो भाई बहुत सुंदर साड़ी है ये, मतलब ना बड़ी सारी ना ऐसी साड़ियां थी मीशो पे इंडिगो कलर की ना, मुझे इनके पल्ले नहीं पसंद आ रहे थे मेन, बट इसके पल्ले ना बड़े सुंदर है और मुझे लगता है कि ना ये बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत बड़े बड़े डिजाइन नहीं है तो आप कहीं पे भी आराम से पहन सकते हैं इनको। हार तो आई है यार, यूटिलाइज करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, सूट तो हम हमेशा ही पहनते हैं। आज साड़ी है ना, मतलब अगर आप लोगों को कॉलेज में भी पहननी है ना ये वाली साड़ी तो आप तब भी पहन सकते हो, क्योंकि पहली बात ये तो ना एकदम प्लेन है और इसमें ना इतने सारे कलर थे, इतने सारे कलर मैं क्या बताऊँ। और इसमें सबसे अच्छा मुझे क्या लगा था, ये लगा था ये ना पूरे में ऐसे दिल दिल बना है, पूरी सेम साड़ी है और पूरे में ना ऐसे दिल दिल बना है और नीचे ना आपको ये दी हुई है बस। हाँ इसमें ना थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आ रही है मम्मी, किस चीज की स्मेल है वो कपड़े की होगी ना, हाँ बस इसकी स्मेल अच्छी लग रही है वो, मतलब वैसे आती है चादरों की स्मेल आती है, किसी किसी चादरों की वैसी सी आ रही है। और इसका कॉटन ना थोड़ा सा अलग है, खादी लिखा हुआ था उसमें, खादी है और ये ना खादी कॉटन है सॉफ्ट वाला, गंदा वाला कॉटन नहीं है, बस ये स्मेल जो है ना वो बहुत गंदी है। और बस पूरे में है मैं ब्लाउज यार बड़े पूरे, उन्होंने लिखा था कि ना इसमें ब्लाउज भी है, डिस्क्रिप्शन में जो आता है ना कि ब्लाउज भी दे रहे हैं, इन्होंने इसमें ब्लाउज ही नहीं दिया है। बट ये है कि अगर आप इसको आपको पहनना है ना तो आप रेड कलर का ले लो या कोई भी कॉमन कलर जो इसके कॉन्ट्रास्ट में जा रहा हो आप उसका ब्लाउज ले सकते हैं, और तो ब्लाउज है नहीं यार, वरना दिखने में तो अच्छी है, बस इसका ना हम स्मेल को बर्दाश्त कर लें तो बाकी तो सुंदर ही है। तो यार आज मेरे पास बस इतनी ही साड़ियाँ थी आपको दिखाने, मेरे पास आज दिखाने के लिए आपको यही साड़ीज थी। और जो लास्ट वाली थी ना वो मेरी सबसे वाली ना कम फेवरेट है, क्योंकि ना उसमें से पता नहीं क्यों बस स्मेल आ रही है, बस वो स्मेल की वजह से ना मेरे को पसंद नहीं आ रही, पर मुझे पता है वो धुलने के हट जाएगी ना मम्मी, धुलने के बाद वो स्मेल निकल जाएगी। बट बाकी की जो है ना मेरे को बचपन से ही शौक था कि ना मैं वैसे कॉटन की साड़ियाँ पहनूं मम्मियों को देख देख के, हालांकि मेरी मम्मी ने पहनी नहीं है बट फिर भी होता ही है औरतों को देख देख के। तो ना आप भी जल्दी सिलो, सब इतनी अफोर्डेबल थी ना, 600-650 के अंदर ही थी सब, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। और ये आप कहीं और जाओगे ना बड़ी महंगी मिलेंगी, और कपड़े भी अच्छे हैं इन सबके, तो आप देख सकते हैं सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।